नमस्कार दोस्तों, makeprofitwithus.com के लाइव ट्रेडिंग रूम में आप सभी का दोबारा मैं रोहित आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की डेट है 24 तारीख और अभी हम लोगों को एक ट्रेड जनरेट हुआ है, उसे हम लोग अभी एग्जीक्यूट करेंगे। बाइंग ट्रेड है G6JN22 कैरी फॉरवर्ड, टारगेट प्राइस 36 पे हम लोगों को ट्रेड जनरेट हुआ है। ऑर्डर GTC जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तक ऑर्डर वैलिड रहेगी 36 जब तक ये पेंडिंग एग्जीक्यूशन में नहीं आ जाता तब तक 36 पे ऑर्डर लगे हैं दोस्तों। 34-35 चल रहा है, 1:32। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं दोस्तों, अभी हमारा सबसे पहला काम है SL लगाना और उसके साथ साथ में टारगेट लगाना। G6JN22 कैरी फॉरवर्ड, G3682 का टारगेट है दोस्तों। GTC एक लॉट 3682 ये एंटर कर देता हूँ। ये सबमिट ऑर्डर ये पेंडिंग में आ गया है, अब मैं SL लगा देता हूँ। G6JN22 इंट्राडे का मुझे ऐसे करना है, कैरी फॉरवर्ड उसमें 3617 का इसका SL है दोस्तों, 3617 ओके ये सबमिट होगा। ये देखिए 23-24-19 SL एग्जीक्यूट हो चुका है दोस्तों, SL लग चुका है। टारगेट ऑर्डर को मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। ये देखिए 1:31 पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था और उसके बाद में SL जो है वो मॉडिफाई हो चुका है 5:45। ये इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ ओके। ये ट्रेड तो खत्म हो गया दोस्तों, इसमें 1900 रुपये का ओवरऑल में लॉस दिखा रहा है। देखते हैं आगे अगर और कोई ट्रेड है तो ट्रेड लेंगे, है ना। इस ट्रेड में 1900 रुपीज का लॉस दिखा रहा है वैसे दोस्तों। 24 तारीख हो रहा है, 4:43 टाइम हो रहा है, शाम के 5:45। मार्केट थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्योंकि उसके 3645 की एक रेंज है, 3633 दोस्तों। 5:01 यानी कि 15 मिनट के बाद हमारा पिछला ट्रेड खत्म होने के बाद और 15 मिनट के बाद और एक ट्रेड हमें लगा है G6JN22 और ट्रेड में 3607 का ऊपर में हमें सेलिंग है तो मैं सेलिंग कर देता हूँ। GTC 3607 ये एंटर मैंने कर दिया, ऑर्डर लग चुकी है, एग्जीक्यूट हुई है नहीं अभी समझ आ जाएगा। ऑर्डर बुक में खोल देता हूँ आप सभी लोगों के लिए, अभी भी ऑर्डर पेंडिंग में दिखा रही है दोस्तों। और प्राइस जो चल रही है प्राइस अभी 10-11-7-8 ओके दोस्तों एग्जीक्यूट हो चुकी है, सेलिंग ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो चुकी है दोस्तों राइट। सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुकी है, अब मैं इसका SL और टारगेट लगा देता हूँ। SL में हम लोगों को दोनों ऑर्डर लगाने होते हैं दोस्तों क्योंकि दोनों के दोनों ऑर्डर पेंडिंग में लगे, इसलिए G6JN22 कैरी फॉरवर्ड 3565 का हमारा टारगेट है दोस्तों। GTC हमें नहीं पता ये टारगेट आज ही आएगा या कल पे जाएगा, हमें कुछ भी नहीं पता। सिस्टम जिस तरीके से जो जो ट्रेड आपको दे रहा है 3565 हम लोगों को उसी सिस्टम को फॉलो करना है दोस्तों। भले ही बैक टू बैक SL हो जाए, भले ही बैक टू बैक टारगेट आ जाए, जो ट्रेड सिस्टम दे रहा है उसे हम लोगों को फॉलो करना है। 3565 का SL लग चुका है, G6JN22 का टारगेट है और अब मैं SL लगा देता हूँ कैरी फॉरवर्ड 3649 का इसका SL है दोस्तों। सेल हुआ है 3607 पर, 3649 का इसका स्टॉप लॉस है और 3565 का इसका टारगेट है।
3649 1 लॉट, और ये दोनों के दोनों ऑर्डर आप देख सकते हो पेंडिंग में। इससे पहले हमारा 1900 रुपीज़ का लॉस वैसे दिखा रहा है दोस्तों, 9 9:30 बज रहा है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं 3644 43 का प्राइस चल रहा है। और दोस्तों अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को एक बाइंग कॉल यहाँ से मिला है, इनिशिएट हुआ है, और वो है 3649 पर। तो अब मैं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 3649 पे जो एक जो हम लोगों ने जो एसएल करके रखा है उसमें मैं केवल मात्र लॉट साइज को मॉडिफाई कर रहा हूँ। लॉट साइज को मॉडिफाई करने से क्या होगा, दो, ये देखिए लॉट साइज मैंने 2 कर दी है ना। इससे होगा ये दोस्तों कि यहाँ पर मैं अभी क्या होगा, ये वाला ट्रेड खत्म हो जाएगा और नया वाला ट्रेड ओपन हो जाएगा, मैंने ये सेलिंग का कॉल खत्म हो गया और बाइंग कॉल हमारा एक नया एक्टिवेट हो गया राइट। और उसके अंदर नीचे मैं टारगेट को खत्म कर दूंगा। आप देख, आपको पता है कि 5:45 के आस 5:04 के आसपास में कुछ ऑर्डर लगी थी, और अभी आप जैसे टाइम देख सकते हो इट्स 9:41 नाउ। ये देखिए दोस्तों ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुकी है, और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये सेलिंग की पहले वाले के ऑर्डर को मैं कैंसिल करना करना बाकी है। सबसे पहले मैं इसका एसएल और इसका टारगेट लगा देता हूँ, D6JM22 इसका एसएल है दोस्तों, कैरी फॉरवर्ड में मुझे लगाना है एसएल। 3599 का इसका स्टॉप लॉस है दोस्तों, वैलिडिटी GTC में कर देता हूँ 1 लॉट। ये एंटर सबमिटेड, और एक टारगेट की भी ऑर्डर लगानी है D6JN22 कैरी फॉरवर्ड। टारगेट क्या है, 3699 का टारगेट है दोस्तों GTC 1 लॉट 3699 दोस्तों। हमें पता नहीं आगे क्या होगा, और मार्केट को प्रिडिक्ट हम कभी नहीं करते। मैं मेरे पहले वीडियो से बताते आ रहा हूँ कि मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है। ये जो हम लोग तो SLO टारगेट लगाते हैं ये कुछ कैलकुलेशन बेस्ड है, एक टेक्निक को लेकर के बेस्ट है। 3565 की अभी भी एक ऑर्डर कैंसिल करनी रहेगी, मैं उसे भी कैंसिल कर देता हूँ राइट। ₹6,500 का लॉस दिखा रहा है दोस्तों अभी तक, ये देखिए ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। पहला हम लोगों का बाय एग्जीक्यूट हुआ था 3636 पर, जिसका एसएल जिसका टारगेट हम लोगों ने लगाया था 3682 और जिसका एसएल था 3617, तो उस केस में हमारा एसएल ट्रिगर हुआ। और फिर बाद में 3607 का हमको दोबारा सेल मिला था जो हमने एग्जीक्यूट किया था, जिसका टारगेट था 3565 और जिसका एसएल था 3649, उसका भी एसएल ट्रिगर हुआ 3649 ठीक है। तो ओवरऑल लॉस 6,500, और उसके बाद में 3649 पे दोबारा हम लोगों को एक बाय कॉल मिला था, जिसमें हम लोगों ने 2 लॉट मॉडिफाई करके उसे बाइंग ऑर्डर हम लोगों ने वो भी ले ली राइट। अब ये 3565 और उसका एसएल अभी है दोस्तों 3599 का बाइंग ऑर्डर का, और टारगेट उसका है 3699 का। ये जो पेंडिंग ऑर्डर है इसे मैं कैंसिल करना रह गया, ये मैं कैंसिल कर देता हूँ अभी आपके सामने राइट। ये कैंसिल हो चुका है, और अब ये वाला ट्रेड चल रहा है दोस्तों, देखते हैं क्या होगा इस ट्रेड में। अब प्राइस जो अभी चल रही है 48.49 चल रहा है, नहीं 48.49 का तो हाई लगा है मिनी में और मेगा में राइट। ये ट्रेड चल रहा है दोस्तों हमें पता नहीं, देखिए बैक टू बैक अभी 2 ऐसे ट्रिगर हुए। कभी कभार होता है ऐसा भी, मार्केट अगर किसी समय पर हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा है उस समय पर ऐसा होना लाजमी है। देखिए 40.41 चल रहा है, हम लोग के भाव से दोबारा 9 रुपए नीचे। पता नहीं दोस्तों इस ट्रेड में लॉस कितना होगा, जो भी लॉस होगा उसके लिए हम लोग प्रिपेयर है राइट। 3:44 इंटीग्रेटेड प्रॉफिट में एक बार आप देख लीजिएगा, 6,700 6,800 का लॉस दिखा रहा है।
दोस्तों अभी के लिए तो मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। इसके पार्ट टू में आपको पता चलेगा कि इस ट्रेड में हुआ क्या है, तो इसका पार्ट टू भी जरूर देखिएगा। अभी की तारीख आप देखिए 24 जनवरी 2017 और 9:50 हो रहा है। 25 तारीख का जो वीडियो आएगा उसमें इसका रिजल्ट रहेगा कि इस ट्रेड में एक्चुअली हुआ क्या है और हम लोगों ने लॉस बुक किया है प्रॉफिट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना दे रहा हूँ आपको दोस्तों। अभी करना क्या है कि आप अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब चैनल के ऊपर में, तो सबसे पहले आप मेरा ये यूट्यूब चैनल खोल करके देखिए, makeprofitwithus.com, राइट। ये मेरा चैनल का नाम है makeprofitwithus.com। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है दोस्तों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करना है, इस लाल बटन के जरिए आप सब्सक्राइब कर सकोगे, ठीक है। अगर आप चैनल खोल रहे हो तो यहाँ पर मैं आपको दिखेगा, और अगर आप ऑलरेडी कोई वीडियो देख रहे हो मेरा, यहाँ पर मैं आपको सभी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलेंगे मेरे, ठीक है, कि कहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, आखिरकार लेटेस्ट परफॉर्मेंस क्या है। आप वैसे बाकी के नीचे के भी सारे वीडियो देख सकते हो। मैं वीडियो में कोई चीज़ सिखाता नहीं दोस्तों, ठीक है। वीडियो में कोई किसी चीज़ के बारे में सिखाया नहीं जाता, इसमें सिर्फ ट्रेड बताया जाता है कि किस तरीके से मेरे ट्रेड लिए जाते हैं। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इस यहाँ पर आने के बाद भी आप उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको और एक काम जो करना है वो है इस ये जो नोटिफिकेशन का जो बटन दिख रहा है ना, इसे आपने क्लिक करना है। इससे होगा ये, जैसे आप इसे क्लिक करोगे कैसा पॉपअप खुल जाएगा, इसको आपने सेलेक्ट कर करके इसे सेव कर देना है। तो इससे क्या होगा, जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो जाएगा आपको दिख जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रॉफिट कमाएं ट्रेडिंग में, ठीक है। और जो लोग मेरे तरीके से मेरे जरिए मेरे जैसा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करें और इस स्ट्रैटेजी को अपना बनाए दोस्तों।